आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में मचा है भूचाल, और इस भूचाल में आखिरकार किसकी होगी हार और कौन जीतेगा मध्य प्रदेश का फाइनल। जहां दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, सब कुछ अभी तय नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन, मध्य प्रदेश में मध्य अवधि चुनाव या उपचुनाव क्या होने वाला है, इस पर कुछ बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। तो आज मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की, ज्वाइन करते ही उन्हें यहां पर राज्यसभा सदस्य के लिए टिकट भी दे दिया गया। लेकिन इसके बाद क्या कहता है इन 19 जो विधायक हैं, इनमें कुछ मंत्री हैं, 6 मंत्री हैं, उनका सियासी समीकरण, क्योंकि सभी की निगाहें इन्हीं पर टिकी हुई है, ये किस तरफ जाते हैं। कांग्रेस का दावा है कि फ्लोर टेस्ट में वो इनको अपनी तरफ कर लेगी, और इसी बीच इनका जो यहाँ पर इस्तीफा है वो अब तक मंजूर नहीं किया, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी को लेकर अपना दाव रख रही है कि आखिरकार वो फ्लोर टेस्ट में जो है बहुमत साबित कर देगी। मध्य प्रदेश की गूंज महाराष्ट्र, इसके अलावा कई और राज्यों में गूंज रही है, इसका किसको कितना फायदा होगा। फिलहाल मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों के आंकड़े दिखाते हैं, इसके बाद आपको दिखाएंगे किस किस आंकड़े के तहत किसकी सरकार बनने जा रही है, आंकड़े आपके सामने रखेंगे। देखिए वर्तमान में अगर बात करें तो 2 यहां पर विधानसभा सीटें खाली हैं, इसके तहत अगर बात करें तो मौजूदा जो सीटें हैं वो बचती हैं 206, 22 विधायक को इस्तीफा देने के बाद। और अगर बात करें तो बहुमत का आंकड़ा बनता है 104, बीजेपी के पास है 107, तो जो बहुमत का आंकड़ा है उससे ज्यादा है बीजेपी का आंकड़ा। लेकिन क्या कहता है सियासी समीकरण, उसको भी आप जरूर समझ लीजिए। देखिए अगर विधायकों के इस्तीफे मंजूर हो जाए तब क्या आंकड़े बनते हैं, और इस्तीफे जो मंजूर नहीं होते हैं उसके बाद क्या आंकड़े बनते हैं, ऐसे 5 समीकरण आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। देखिए मध्य प्रदेश के 2 विधायकों के निधन के बाद कुल सीटें 228 है, इस्तीफा देने वाले कांग्रेस विधायक 22 हैं, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है उस 22 विधायकों ने ही इस्तीफे यहां पर दिए, लेकिन इस्तीफे स्पीकर ने मंजूर किए, तो सदन में जो यहां पर सदस्य है वो यहां पर 106 बचेगी। लेकिन बड़ी खबर जो है वो है कि स्पीकर ने अब तक इसकी मंजूरी नहीं दी है, वो जांच करेंगे कहीं इनको दबाव में तो नहीं दिए गए हैं, इस प्रकार की यहां पर खबरें चल रही हैं। इस स्थिति में बहुमत के लिए जो जरूरी आंकड़ा 104 बचता है, और भाजपा के पास 100 बहुमत से 3 ज्यादा है, तो ये आंकड़ा ज्यादा नहीं है। बस इसी को कमलनाथ एक मास्टर स्ट्रोक लगाने की प्रयास में है कि फ्लोर टेस्ट में कहीं कुछ विधायक यहां पर बीजेपी के अगर उनकी तरफ आ जाते हैं तो ये बहुमत जो है वो अंक जो है वो पार कर सकती है कांग्रेस। फिलहाल कांग्रेस का आंकड़ा यहाँ पर 99 है, बहुमत से 5 कम, तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5 ही कम है। और जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार का सियासी समीकरण देखने को मिल रहा है वो ज्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरा समीकरण क्या बन सकता है, दूसरे समीकरण के अनुसार देखिए विधायकों की इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो, ऐसा यहाँ पर माना जा रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर उपचुनाव भी होंगे, और उपचुनाव में जो है कांग्रेस जो है इन सीटों पर अगर जीत दर्ज कर लेती है तो फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है। इसके लिए क्या समीकरण, देखिए भाजपा के पास 107 विधायक हैं, 4 निर्दलीय उनके समर्थन में आ जाएं तो भाजपा यहां पर 111 हो जाती है। कांग्रेस विधायकों की अगर यहां पर देखें तो 22 सीटें जो हैं उनमें 2 खाली पहले से हैं, तो कांग्रेस विधायकों की अगर देखी जाए तो 22 प्लस 2 खाली सीटों को मिलाकर 24 सीटों पर उपचुनाव होने पर भाजपा को बहुमत के लिए 5 और सीटों की जरूरत होगी। अगर यहां पर निर्दलियों ने भाजपा का साथ नहीं दिया तो उपचुनाव में पार्टी को 9 सीटें जीतने होंगी। कुछ और आंकड़े अगर आपको दिखाएं तो अगर सभी विधायकों को स्पीकर आयोग करा दे दे तो क्या होगा, फिर यहां पर देखिए स्थिति में ऊपर की स्थितियां ही लागू होंगी, सिर्फ आयोग करार दिए गए विधायक उपचुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ऐसे में फायदा होगा बीजेपी को। पांचवा समीकरण क्या बन सकते, देखिए अगर कांग्रेस ने सभी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 22 ने तो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, और बाकी जो बचते हैं उन सभी ने अगर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया तो फिर यहाँ पर राज्यपाल तय करेंगे कि यहाँ पर फिर से चुनाव मध्य प्रदेश के हो या फिर राष्ट्रपति शासन यहाँ पर कुछ समय के लिए लग सकता है, ऐसी स्थितियां बन सकती हैं, या फिर उपचुनाव जो यहाँ पर सीटें खाली होंगे केवल उन पर ही चुनाव किए जाते हैं, तो उससे किसको फायदा होगा। देखिए उपचुनाव होने की स्थिति में भाजपा फायदे में रहेगी और राज्यपाल उसे सरकार बनाने का मौका देगा। अगर यहाँ पर मध्य अवधि चुनाव होती है तो फिर कांग्रेस को फायदा होगा, दोबारा से चुनाव होंगे, फिर किसका भी पलड़ा यहाँ पर भारी हो सकता है।
लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो फिर बीजेपी को से फायदा होने वाला है। इसके अलावा कमलनाथ सरकार के पास और भी विकल्प हैं, वो विकल्प आपको दिखा देंगे। पहला विकल्प है विधानसभा में बहुमत साबित करने की कोशिश, जो कमलनाथ सरकार अब भी दावा कर रही है कि वो बहुमत साबित करेगी। और जो यहाँ पर बेंगलुरु में जो यहाँ पर 22 विधायक रुके हैं, उन पर उनका यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि उनको बंधक बनाया हुआ है और वो फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के पक्ष में होंगी, ऐसा यहाँ पर दावा कर रही कांग्रेस सरकार। दूसरा विकल्प क्या बचता है कमलनाथ सरकार के पास, बहुमत साबित करने से पहले इस्तीफा, मतलब यहाँ पर फ्लोर टेस्ट के पहले ही यहाँ पर कांग्रेस सरकार ये मान ले कि वो हार मान चुके हैं, वो विपक्ष में बैठेंगे और चुनाव जो उपचुनाव होने वाले हैं उपचुनाव के लिए वो अभी से तैयारी शुरू करें, इसलिए इस्तीफा अगर दे दें इसलिए आंकड़ा बन सकता है। तीसरा आंकड़ा क्या बन सकता है, देखिए बागी विधायकों की इस्तीफे की जांच, कहीं दबाव में इस्तीफा तो नहीं दिया है, ये भी एक विकल्प बचता है कांग्रेस के पास। इसके अलावा चौथा विकल्प है विधानसभा अध्यक्ष विधायकों की इस्तीफे को स्वीकार न करे और मामला कोर्ट में पहुंच जाए तो ये मामला अटक सकता है काफी समय के लिए। इसके अलावा पांचवा विकल्प है विधानसभा भंग करने की सिफारिश, लेकिन राज्यपाल इसे न मानने के लिए स्वतंत्र हो तो फिर इस स्थिति में जो है दोबारा से चुनाव हो सकते हैं। तो ये कुछ विकल्प अभी भी कमलनाथ सरकार के पास मौजूद हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद बाकी जो विधायक हैं 22 वो किसके समर्थन में जाएंगे? हालांकि खबरें तो यहाँ पर चल रही हैं कि वो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही साथ हैं, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि उनके पास आ सकते हैं। ऐसे में अब किसकी बनने जा रही सरकार, ये कुछ दिनों में बिल्कुल पूरा साफ हो जाएगा। क्या शिवराज सरकार वापसी करेगी या फिर कमलनाथ सरकार ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी? तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। मध्य प्रदेश में आखिरकार किसकी बनने जा रही सरकार, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली जानकारी का आपको नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलता रहे।